वेलकम टू JIT। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पे के ऊपर चर्चा करेंगे जो है VPN। और आज हमारे साथ है अरविंद, तो वो मेरे सीनियर रह चुके हैं जब मैं BSc IT कर रहा था, और उनके पास भी वही एक्सपीरियंस है। और तब भी वो बहुत ज्यादा नॉलेज था जब हमने BSc IT ज्वाइन किया था और हम लोग सीख रहे थे, तब उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था। और हम लोग अमेज्ड होते थे कि हाँ, भैया के पास मतलब नॉलेज तो है भरपूर। तो आज उन्हीं के साथ हम लोग बात करेंगे। और आप लोग को अगर VPN के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप लोग कॉमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पे, और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि अब VPN के बारे में जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो वेलकम अरविंद जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू ध्रुव, वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके काफी दिनों के बाद। थैंक यू। सो अरविंद जी, पहले तो आपसे मैं आपका इंट्रोडक्शन ही पूछूंगा, क्योंकि आप मुझको पता है कि आप लगभग 10 साल तो हो गए IT से जुड़े हैं आप, क्योंकि हम लोगों ने 2010 में आपसे मिला था, क्योंकि तब मैंने BSc IT ज्वाइन किया था और आप तो BCA कर रहे थे। तो उसके बाद की जो आपके IT करियर के बारे में पूछूंगा, और पूरा इंट्रोडक्शन आप दे अगर। ध्रुव, एक्चुअली मेरा लगभग 10 साल हो गया है, और 10 साल में इंक्लूड अगर करूँ तो इन 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और सिखाया भी है, और इन दिनों मैंने कुछ एक्सप्लोर करने के टाइम में बहुत कुछ सीखने मिलता है। और IT ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, और ये जो नया सीखना होता है ना आपको हमेशा मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और जबकि मैं भी IT में स्टडी कर रहा था, और मैं जब तुम्हारा सीनियर था तभी मुझे IT में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना और करना पसंद था। तो इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करता था, और अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा बहुत फेमस था इसी वजह से कि। और उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर मैं मैंने अपना खुद का सोचा कि जब कुछ करना है तो क्यों ना उसको और आगे लेके जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई फील्ड में आने के बाद रहे ना रहे उसका डिसीजन तभी होता है जब तक उस पर मोटिवेशन ना हो। मेरे पास बहुत मोटिवेशन था और एंथो भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसको हमेशा कैरी फॉरवर्ड किया, और आज मैं एक अच्छा पोजीशन मींस अच्छा पोजीशन में हूँ। एक एजुकेशनिस्ट हूँ मैं, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, IT पढ़ाता हूँ, और काफ़ी फोरम्स है जिसमें मैं IT सोल्यूशन देता हूँ। मेरे कुछ कस्टमर्स है जिसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से मैं IT सोल्यूशन देता हूँ, और इन दिनों में काफ़ी कुछ सीखा भी है और सिखाया भी है। मैं तो बस यही है कि अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का IT में। थैंक यू। सो आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं VPN के बारे में। तो हम लोग डायरेक्टली आपसे यही जानना चाहेंगे कि VPN, व्हाट इज VPN और क्या होता है, VPN होता क्या है एक्चुअल। देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और VPN मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा है। क्योंकि देखो क्या है, VPN एक्चुअली इसको इन शॉर्ट बोलते हैं VPN, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि जैसे कि जब हम घर में मोबाइल्स टू मोबाइल कुछ फाइल्स शेयर करते हैं तो हम एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करते हैं कनेक्ट करने के लिए। जब वो डिवाइस कनेक्ट हो जाता है तो हम फाइल्स शेयर कर सकते हैं, चाहे वो एक फ़ोन से दूसरा फ़ोन हो या दूसरा एक फ़ोन से कंप्यूटर में हो। जब वो लोकली जब शेयर होता है तो वो प्राइवेट होता है नेटवर्क, उसमें किसी और का हक नहीं होता है, सिर्फ आपका हक होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जब आप नेट ब्राउज करने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट होते हो और ब्राउज करते हो तो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है आपके ISP से, ISP मॉडेम में जाता है, पहले तो आपको राउटर में जाता है, फिर राउटर से आपके ISP के पास, और ISP उसको क्लाउड में भेजता है। क्लाउड मतलब इंटरनेट, तो फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है और हम जो भी ब्राउज करना चाहते हैं वेबसाइट वो देख सकते हैं।
इन दौरान क्या होता है कि अगर वीपीएन का यूजेस अभी इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है कि आजकल डाटा मतलब आपका अकाउंट हैक होना, हैकिंग और आपका प्राइवेसी खो जाना और डाटा लीक, ये सब काफी ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारा लाइफ डिजिटल हो चुका है और डिजिटली हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। जब चीज डिजिटली कनेक्टेड रहता है तो हम उसको सिक्योर करना पड़ता है, तो सिक्योर करने के लिए एक वीपीएन एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जो आपके जो डिजिटल लाइफ को एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। ठीक है, तो वीपीएन काम कैसे करता है ये अगर मैं बताना चाहूँ तो वीपीएन ऐसा है कि मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट पाइप है, मान एक अब दो एक बकेट एक तरफ है और दूसरे तरफ दूसरा बकेट है। ठीक है, और उस पाइप से मैंने कनेक्ट किया है दोनों बकेट को और दोनों से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर पाइप ट्रांसपेरेंट है तो क्या कैसा वाटर फ्लो हो रहा है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, वो सब दिखता है। ठीक है, समझ लो तो जब वीपीएन कनेक्टेड नहीं है तो तुम्हारा डेटा अगर पब्लिक वाईफाई में हो तो ज़्यादा बोल सकते हैं कि आपका डेटा जो भी आप शेयर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन वो किसी और के आंखों में आ सकता है, फिर आपको मिडिल मैन अटैक करके आपका डाटा को चुरा सकता है। तो वीपीएन क्या करता है, एक ऐसा लेयर बनाता है कि इस पाइप को ट्रांसपेरेंट की जगह ओपैक बना देता है, मतलब वो कवर लगा देता है, जिससे क्या होता है डाटा क्या जा रहा है वो किसी को पता नहीं चलता, जिसके लिए वो एनक्रिप्शन यूज करता है। लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं है, वीपीएन और भी बहुत कुछ है। ये सिर्फ पाइप ग्लास पाइप था पहले, अब ये टाइटेनियम का पाइप बन गया, एक स्ट्रांग भी हो गया है और दूसरा जो डाटा जा रहा है वो पूरी तरह से एनक्रिप्ट हो गया है। तो अभी कोई मिडिल मैन अटैक करके आपका डाटा को चुरा नहीं सकता, आपके आइडेंटिटी को चुरा नहीं सकता, तो वीपीएन इस मामले में काफी अच्छा है, तो हम इसलिए वीपीएन यूज करते हैं। तो यानी जो लोग सोचते हैं कि हम लोग जब कुछ भी यूज कर रहे हैं इंटरनेट में तो एक्चुअल में उसको बहुत सारे लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी वो लोग पर्सनली मैसेज करते हैं या कुछ भी देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं या फिर ब्राउजर में देखते हैं, कहीं से भी अगर किसी रूम में बैठ के छिपके भी देख रहे हो तभी भी वो लोग वल्नरेबल है इन द इंटरनेट, कोई भी सिक्योर नहीं है अगर वो। डेफिनेटली डेफिनेटली यू आर राइट। एक्चुअली इसका सबसे एक बड़ा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी। जैसे कि हमारा एक सोशल नेटवर्क, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि सबको पता है, ब्लू सोशल नेटवर्क जो यूज करते हैं और हम सर्च इंजन जो हम यूज करते हैं वो सबको पता है। तो उसमें जब भी हम कुछ सर्च करते हैं या फिर कुछ भी हम ब्राउज करते हैं, तुम एक बार नोटिस कर सकते हो जब वो ऐप यूज करोगे और उससे पहले तुम कुछ शॉपिंग साइट में जाओ और कुछ शॉपिंग के लिए तुम लिस्टिंग देखो, कुछ प्रोडक्ट देखो, फिर वापस उस ऐप में आना और तुम्हें सेम प्रोडक्ट का एज एन एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। बताइए क्या होता है कि जैसे हम हमारा कुकीज होता है, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा इंटरेस्ट, हम कैसे साइट ब्राउज कर रहे हैं, हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री, वो सारा ये कंपनी सेल करते हैं एक दूसरे को। और फिर जैसे कि जिस कंपनी को मिलता है डाटा वो आप किसी और को बेचता है और उससे क्या होता है कि इनका फायदा होता है। तो हमारा डाटा, हमारा पर्सनल, हमारा चॉइस, हमारा नहीं रहता फिर। और वही ब्राउजर में भी बहुत सारे हम लोगों के मोड होते हैं, जैसे इंटीगो मोड बोलते हैं एक, इनकॉग्निटो, और आपका एक तो ओपेरा भी प्रोवाइड करता है प्राइवेट मोड, बट वो सिर्फ आपके हिसाब से आपका वो हिस्ट्री को वो स्टोर नहीं कर रहा है, लेकिन आप तभी भी जो है बाहर के दुनिया के लिए तो आप दिखाए, अगर वीपीएन यूज नहीं कर रहे हो यानी आपका डाटा कोई भी, आप जो भी भेज रहे हो कोई भी पढ़ सकता है। हाँ पढ़ सकते हैं जरूर। और इसलिए वेबसाइट में हमें जब भी ब्राउज करते हैं ना तो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वेबसाइट HTTPS यूज कर रहा है कि नहीं। एस का मतलब होता है सिक्योर, अगर साइट SSL सर्टिफिकेट सिक्योर है तो चांसेस है कि उसमें मतलब अटैक होने का चांसेस कम होता है हमारे डाटा में। लेकिन फिर भी उसके भी अलावा हमारे ट्रैकर्स होते हैं, कुछ ऑनलाइन हम किसी को पता लगाने के लिए हम ट्रैकर यूज करते हैं, पुलिस लोग या फिर डिटेक्टिव यूज करते हैं ट्रैकर। वैसे वेबसाइट में ट्रैकर होता है जो आपके एक्टिविटीज को ट्रैक करते रहते हैं कि आप यहाँ पे हो, थोड़ी देर के बाद कहाँ गए और वापस आए तो फिर क्या आपको दिखाना है, ये ट्रैकर से बचना होता है। और ट्रैकर से बचने के लिए वीपीएन एक अच्छा सलूशन है।
यानी वीपीएन हमको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जहां से हम सिक्योर कर सकते हैं हम लोगों के कनेक्शंस को, यानी कोई भी देख नहीं सकता कि आप क्या सर्च कर रहे हो या फिर आप क्या देख रहे हो, वो कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। नहीं, नहीं लगा पाएगा, और यही इसका मतलब होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब ये आपको एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो आप प्राइवेट होता है, जो किसी और के नजर में नहीं आ सकता और कोई इंट्रूड नहीं कर पाएगा आपके प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट डेटा पर। सो अभी हम लोग का जो है कि वीपीएन यूज करना कितना सिक्योर है, क्या हम लोग वीपीएन, कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि अगर वीपीएन यूज करेंगे तो मतलब क्या हम सिक्योर है, कोई वायरस अटैक वीपीएन से होके तो नहीं आ जाएगा, तो इस तरह का क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, ये भी है। देखो, अगर फ्री वीपीएन यूज कर रहे हो ना, कितने अभी तुम जाओगे प्ले स्टोर में या कहीं पे जाओ तो तुमको बहुत सारे फ्री वीपीएन मिल जाएगा, वेबसाइट में वी आर गिविंग यू द फ्री वीपीएन, यूज इट एज मच एज यू कैन। बट क्या होता है कि फ्री वीपीएन में भरोसा नहीं किया जा सकता, इसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि जबकि हम एक प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारा डेटा क्लाउड में डायरेक्ट तो नहीं जा रहा है, पर वो सर्वर में जरूर जा रहा है। अभी फ्री वीपीएन का जो कमाई का जरिया होता है वो क्या होता है, वो डेटा ही होता है, वो डेटा सेल करके ही कमाते हैं। अगर आपको कुछ फ्री दे रहा है तो जरूर है कुछ तो ले रहा होगा, तो वही होता है कि आपको जो डेटा आप दे रहे हो उसके बदले वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये यही बात है कि आप फ्री वीपीएन में जाओगे तो फ्री वीपीएन आपको कितना अच्छा प्रोटेक्शन देगा और वो कह नहीं सकते। पर हाँ, कितने सारे मार्केट में अच्छे वीपीएन हैं जो पेड हैं, जिसको अगर आप यूज करोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा, और ये जो जो अच्छा है, मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप पेड वीपीएन में जाओ, फ्री वीपीएन में आप भरोसा नहीं कर सकते। तो फ्री वीपीएन और पेड वीपीएन में वही डिफरेंस होता है कि फ्री में आपके डाटा को वही लॉस होने का खतरा रहता है कि डाटा आपका फिर से जाके घूम फिर के हम लोग यही एक ही जगह में आ जाते हैं, लेकिन पेड वाले में थोड़ा सा हम लोग पेड वाले में हम लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं कि ये डाटा हम लोगों का बाहर का कोई भी पढ़ नहीं सकता इसी तरह से। सो नेक्स्ट जो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि इस तरह से कौन से वीपीएन है जो मार्केट में अभी अच्छे, जो नाम के जिस तरह के हम लोग वीपीएन यूज कर सकते हैं? मार्केट में तो वैसे बहुत सारे वीपीएन है, और कुछ वीपीएन का नाम तो काफी मतलब पॉपुलर है, उसका मैं बता सकता हूँ, कोई बात नहीं। उस वीपीएन में जैसे कि सबसे अभी नंबर वन में चल रहा है एक्सप्रेस वीपीएन, और उसके बाद नॉर्ड वीपीएन, सर्फशार्क, फिर गोस्ट आईपी वैनिश। तो अभी टॉप में जो बोलूंगा तो वो एक्सप्रेस वीपीएन है, नॉर्ड वीपीएन, और अभी तो काफी और वीपीएन आया है, सर्फशार्क काफी अच्छा ऑफर दे रहा है और उसको हम यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। और दूसरी बात, जब हम वीपीएन अगर पेड कर रहे हो तो पैसे तुम अगर दे रहे हो तो तुम्हें कुछ फायदा मिलना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम खरीदे तो सर्विस, पर वो सर्विस क्या होना चाहिए जो मुझे पूरा प्रोटेक्शन दे। तो वो पहली बात तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वीपीएन यूज कर रहे हो तो एक प्रोटोकॉल यूज करता है, मतलब प्रोटोकॉल का मतलब वही होता है कि वो जो डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो किस तरह से ट्रांसमिट होगा, उसमें एनक्रिप्शन किस तरह से डाला जाएगा और कितना सिक्योर होगा। अगर प्रोटोकॉल यूज नहीं करेंगे सही वाला, तो जैसे कि एक प्रोटोकॉल है पीपीटीपी, वो काफी पुराना प्रोटोकॉल है और उसको काफी कंपनीज लोग मतलब हैकर लोगों ने तोड़ भी दिया है उसके एनक्रिप्शन को। तो उससे अगर वो ऐसा कोई वीपीएन सर्विस है जो सिर्फ आपको वही प्रोवाइड कर रहा है कनेक्शन पीपीटीपी, तो मैं तो बोलूंगा उसको यूज ना करें, क्योंकि वो इजीली हैकेबल है। आप हैक इजी नहीं बोल नहीं सकता, लेकिन अगर थोड़ा एफर्ट लगाए तो उसको हैक किया जा सकता है। तो ऐसा प्रोटोकॉल चूज करें जो, जैसे कि एक प्रोटोकॉल होता है हमारा IKE2, ये अच्छा है, और ओपन वीपीएन तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, ओपन वीपीएन टीसीपी हो या फिर यूडीपी, ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा आपका प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है पहली बात, इसके पीछे एक बड़ी कम्युनिटी है जो इसके सोर्स कोड को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं और हमेशा चेंजेस करते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इसको हैक कर पाना
मुश्किल है। और अभी कुछ नए, अभी एक मैं बता रहा चाहता हूँ, एक वायर गार्ड नाम का एक प्रोटोकॉल आया है, वायर गार्ड, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके पहले बात तो बेनिफिट ये है कि बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, सिक्योरिटी तो है, और उसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। अभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में है, पर उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अगर वो फुल्ली डेवलप, अगर स्टेबल वर्ल्ड में, स्टेबल में आ गया, तो मैं बोलता हूँ इन फ्यूचर शायद हम वायर गार्ड यूज़ करना, वायर गार्ड प्रोटोकॉल यूज़ करना काफ़ी स्टार्ट करें। तो जब हम नया पेड वीपीएन खरीदते हैं, तो हमें पहला तो देखना चाहिए कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ किया, फर्स्ट प्रोटोकॉल। सेकेंड, प्रोटोकॉल लेने से, प्रोटोकॉल उसके बाद भी देखना है कि वो सर्विस, वो वीपीएन सर्विस कहाँ से बिलोंग करता है। क्योंकि देखो, डाटा रिटेंशन और डाटा प्राइवेसी ये किसी किसी कंट्री पे डिपेंड होता है। कोई कंट्री ऐसा कंट्री है जैसे वर्जिन आइलैंड, अगर वीपीएन कंट्री, वीपीएन सर्विस अगर वहाँ पे एस्टैब्लिश है, मोस्ट ऑफ द वीपीएन कंपनी वहीं पे एस्टैब्लिश होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डाटा पॉलिसी काफ़ी अच्छा है। मीन्स आप नो लॉक पॉलिसी आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नो लॉक पॉलिसी मतलब आप क्या कर रहे हो वीपीएन में, क्या इन्फॉर्मेशन जा रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड सर्वर में मेंटेन नहीं किया जाता, इसको कहते हैं नो लॉक पॉलिसी। नो लॉक पॉलिसी ऐसे ऐसे कंट्री में अवेलेबल है जहाँ पे, जैसे यूरोपियन कंट्री में मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे डाटा प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और वर्जिन आइलैंड एक जगह है, कंट्री है आइलैंड, वहाँ पे जो कंपनी सिचुएटेड है और वहाँ से जो ओरिजिनेटेड है, उनको वो पॉलिसी अप्लाई करने का मौका मिलता है। और तीसरा है, आप एक किल स्विच रखो, किल स्विच फीचर होता है। किल स्विच फीचर क्या होता है, जैसे आपका वीपीएन, आपने वीपीएन किसी कारण से डिस्कनेक्ट हुआ, तो क्या होता है कि आपका नेट एक्टिव है। अगर नेट एक्टिव है तो फिर आपका डाटा अनइंक्रिप्टेड हो गया, प्राइवेसी लॉस हो रहा है। तो किल स्विच होने से क्या होता है कि आप जैसे नेट डिस्कनेक्ट हुआ या फिर वीपीएन डिस्कनेक्ट हुआ, आपका नेट भी डिस्कनेक्ट होगा। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद लेने से पहले देखनी होगी कि वो नो लॉक पॉलिसी हो, एनक्रिप्शन अच्छा यूज़ करे, प्रोटोकॉल अच्छा यूज़ करे, और किल स्विच तो होना ही चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स थे जो होना चाहिए अच्छे पेड वीपीएन में। VPN लेने के और क्या फायदे या और क्या क्या कर सकते हैं हम VPN से, सिर्फ सिक्योर कनेक्शन करने के अलावा भी? VPN, देखो VPN तो वैसे हर जगह यूज होता है। हमारा VPN, पेड VPN जो भी बोलो, हमारा डिफेंस कंपनी, डिफेंस हमारा इंडियन डिफेंस हो, कोई भी डिफेंस कंपनी हो, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट है, वो भी यूज करते हैं VPN। VPN एक ये भी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक साइट से दूसरे साइट को एक्सेस करने के लिए आपको 10 तरह का राउट यूज़ नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हम मतलब, क्योंकि अलग अलग जगह का, हर जगह का अलग अलग आईपी होता है, तो मुझे उस आईपी, उस एड्रेस को एक्सेस करना है या फिर उस पर्टिकुलर साइट को एक्सेस करना है, लेकिन उसका आईपी नहीं पता, क्योंकि उसका आईपी हमेशा चेंज हो रहा है, डायनामिक आईपी है, तो मैं उसको शायद एक्सेस ना कर पाऊँ, या फिर कर पाऊँ फिर नेक्स्ट टाइम ना कर पाऊँ। जब हम वीपीएन से कनेक्ट होते हैं, तो सबको एक कांस्टेंट आईपी प्रोवाइड करता है, एक ऐसा पूल, आईपी पूल वहां से लेता है जो सेम सर्वर से बिलोंग करता है। तो अभी आप एक साइट से दूसरे साइट को रिक्वेस्ट करोगे इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो इजीली एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है, हम यूज करते हैं। और हम अगर अपने आप को एनोनिमस रखना चाहते हैं, अपने आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल फुटप्रिंट्स को हटाना चाहते हैं, फिर हम कुछ भी एक्टिविटी, देखो क्या होता है, कितने सारे जो रिपोर्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और कुछ कुछ लोग होते हैं जो टॉप लेवल में काम करते हैं, वो लोग टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हैं या फिर टॉर नेटवर्क यूज़ करते हैं। लेकिन टॉर नेटवर्क बहुत सिक्योर चीज़ है, उसको यूज़ करने से प्राइवेसी काफ़ी अच्छा मिलता है, एनोनिमिटी मिलता है। लेकिन टॉर नेट ब्राउज़र या टॉर नेटवर्क को यूज़ करने से पहले वीपीएन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में कुछ बात हुई थी कि टॉर नेटवर्क को भी आपने एक्सेस करके इंक्रिप्शन को तोड़ा गया था। तो अब जब हम ऐड कर देते हैं, अगर आप इस तरह का ब्राउजिंग करने का हैबिट है, जहाँ पे आप मीन्स कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स एक्सेस करते हो या फिर शेयर करते हो, तो अगर तब आपको टॉर ब्राउजर यूज़ करना चाहिए, टॉर नेटवर्क यूज़ करना चाहिए, जिस और वीपीएन के साथ यूज़ करना चाहिए, तो ये आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। टॉर भी आपका एक ऐसा देता है कि एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है टॉर भी, तो टॉर और एनोनिमिटी, हाँ पूरा, टॉर और वीपीएन में डिफरेंस क्या होगा?
विपिन क्या, टॉर एक नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क है, ये तो सिर्फ प्लेन नेटवर्क है, लेकिन टॉर नेटवर्क इस तरह से बिहेव करता है, उसमें उस नेटवर्क में जितने भी नोड्स मीन्स कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, इसको नोड्स कहते हैं, उन सबका आइडेंटिटी एनोमिनस होता है, ठीक है। अगर कुछ रिक्वेस्ट तुम्हारे कंप्यूटर से जा रहा है दूसरे कंप्यूटर को, तो उसको पता नहीं है कि वो कहाँ से आया और कहाँ जाना है, बस उसको पता है कि कहाँ जाना है, लेकिन किसने भेजा है वो नहीं, ठीक है। फिर दूसरे को मिलता है, दूसरे को भी यही पता है कि कहाँ भेजना है, लेकिन कहाँ से आया ये नहीं पता। तो इससे क्या पता है कि रिक्वेस्ट जो आया है तो पहला नोड से और लास्ट नोड में, पहला नोड और लास्ट नोड ही एक पॉइंट होता है जिसको पता होता है कि ये डेटा कहाँ से आया और यहाँ पे पहुँचा है कहाँ से। तो जितना भी हॉप्स होते हैं वो एक सर्टेन एल्गोरिदम यूज करते हैं टॉर नेटवर्क, जिस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि किस नोड को वो पैकेट या डेटा भेजना है। इसी वजह से क्या होता है, नोड जो टॉर नेटवर्क है वो काफी सिक्योर हो जाता है। और टॉर नेटवर्क यूज होते हैं अनियन वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। अनियन वेबसाइट क्या जाता है, वो डार्क वेबसाइट कहते हैं, डार्क वेब से रिलेटेड है। अगर आपको अनियन वेबसाइट एक्सेस करना है तो आपको टॉर कनेक्ट नेटवर्क में कनेक्ट होना ही पड़ेगा, वरना आप डायरेक्टली कभी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अनियन, क्योंकि अनियन वो होस्ट ही होता है टॉर नेटवर्क में, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से। तो ये है। और दूसरा वीपीएन क्या है कि अगर वीपीएन तो हमारा प्राइवेट हर चीज़ को एनक्रिप्ट करता है, तो टॉर भी वीपीएन यूज करता है। अगर आप नॉर्मल वीपीएन नहीं है तो टॉर भी नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए, अपने नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो यही है डिफरेंस। तो एक मेरा क्वेश्चन होगा कि अगर मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस है, मैंने फायरवॉल भी वो अपडेट करके रखा है, एंटीवायरस भी है, क्या तभी भी वीपीएन लगाना जरूरी है? वीपीएन देखो ये पूरा पर्सनल चॉइस होता है, पर्सनल चॉइस है, वजह से कि हम एंटीवायरस कब लगाते हैं, जब वायरस से प्रॉब्लम होता है तो हम एंटीवायरस, और एंटीवायरस लगाने का भी फायदा तब नहीं होता है जब लगा के छोड़ दिया जाए, उसको अपडेट ना किया जाए। और फायरवॉल वही होता है नेटवर्क से रिलेटेड, अगर कुछ फायरवॉल नहीं होगा तो फिर आपको कोई भी अटैक कर सकता है, आपके मशीन को अटैक कर सकते हैं, बेसिकली आपको मशीन को हैक करके उसकी डाटा वहां से चुरा सकते हैं। फायरवॉल एक फायरवॉल जिस नाम ही है एक मुश्किल पैदा करता है हैकर के लिए कि वो पीसी या फिर आपका डिवाइस को हैक ना कर सके। एंटीवायरस आजकल क्या होता है, सर्विस आ रहा है जैसे आवास एंटीवायरस, आवास सिक्योर लाइन नाम का वीपीएन प्रोवाइड करता है, जो आप एंटीवायरस लोगे तो साथ में अगर पेड एंटीवायरस है जैसे आवास अल्टीमेट अनलिमिटेड, उसमें क्या होता है कि आपको ये वीपीएन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है, आप बस एंटीवायरस लो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन जबकि ये एनक्रिप्शन ये सब करता है तो थोड़ा वीपीएन स्लो हो सकता है, पर प्रोटेक्शन पूरा मिलता है, अच्छा है। तो आप वीपीएन तो हम एंटीवायरस यूज करते हैं वायरस से बचने के लिए, वायरवॉल हमारा नेटवर्क हैकर से बचाने के लिए, और वीपीएन आपको ये नहीं है कि वीपीएन यूज करोगे तो वायरस नहीं आएगा। अगर आप फालतू के कुछ गलत सलत वेबसाइट यूज करोगे, ब्राउज करोगे, तो वायरस तो वहीं से आते हैं, तो उसके लिए तो एंटीवायरस जरूरत है। अगर एंटीवायरस नहीं है, आप वीपीएन यूज कर रहे हो, तो आपको कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा, ये मिसकंसेप्शन है। तो ये आपको सोचना होगा कि एंटीवायरस भी जरूरी है, वीपीएन आपका चॉइस है, आप अपना अपने पर्सनल डेटा को बचाना चाहते हो तो, और थर्ड फायरवॉल तो एक्टिव होना ही चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि पेड में वीपीएन या फिर हम लोग फ्री में इतना यूज नहीं होता है, मतलब फ्री में करना इतना सिक्योर नहीं है, तभी भी अगर मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि फ्री इज वेरी गुड, अगर मुझे फ्री में ही यूज करना है, मुझे ऐसा वीपीएन चाहिए जो कम से कम फ्री में मुझे कम से कम सिक्योर करे, तो उस तरह का कोई आइडिया है क्या या कुछ ऐसा वीपीएन आप बताना चाहो? वेल इंटरेस्टिंग एक बात है कि मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है, जो कि वो मेरा लिंक शायद आप मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हाँ आपको लिंक, वो आप वीडियो देखना। और वो वीडियो इस तरह से है कि वो एक्चुअली वीडियो बताता है कि कैसे आप अपना फ्री का खुद का वीपीएन सर्वर होस्ट कर सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, और आई थिंक अगर बस वो वीडियो देख लो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ पैसे कैसे बचाने हैं और कैसे खुद का वीपीएन बनाना है, तो वो हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कुछ वीपीएन चाहिए जो फ्री हो, तो मैं क्लाउड फेयर नाम का एक
डीएनएस वीपीएन है, मतलब इस कुछ डीएनएस जैसा है वो यूज कर सकते हो। हाल ही में एक्चुअली क्या था, मैंने रिसेंटली क्लाउडफ्लेयर का ही वीपीएन यूज किया था, प्रीमियम यूज किया था, और वो विद अ लिटिल बिट ऑफ हैकिंग एंड ऑल दैट, मैंने जो उसकी फ्री सर्विसेज है उसको मैंने प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए बना लिया था, और वो मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। तो ये जैन वैसा नहीं है कि मुझे वो क्लाउड, लेकिन यूज कर सकते हैं, प्रीमियम सर्विस भी फ्री में यूज कर सकते हैं, और क्लाउडफ्लेयर का काफी अच्छा वीपीएन है, इंक्रिप्शन भी अच्छा है, और वो वायरगार्ड प्रोटोकॉल यूज करता है तो काफी अच्छा है। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे, और जो आपका चैनल का लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज आप उस चैनल पे जाओ, आपको ये जो वीपीएन उन्होंने बताया कि आप फ्री में वीपीएन कैसे सेटअप कर सकते हो, ये पूरा वीडियो प्रैक्टिकली उनके चैनल में मिलेगा, उसका यूट्यूब का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। तो आज आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत थैंक यू, और फिर से अगर हम लोग ऐसे वीडियो कर सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे बोलूंगा कि हम फिर से एक या दो इस तरह के वीडियो बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, अरे ये शुरुआत है और आगे हम अच्छा अच्छा और भी वीडियोस लाएंगे, और तुम्हारे व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स, फ्रेंड्स, व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छा बनाना तो सब ये हमारा मोटिव है कि नहीं, तो उनको कुछ एजुकेशन देना, कुछ सिखाना, ये एक बेसिक मोटिव है हमारा इस चैनल का, JIT जो चैनल है आपका। तो मैं चाहूँगा कि हम और भी ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट करें और इन फ्यूचर, और फिर मिलेंगे। थैंक यू, एंड प्लीज subscribe the channel and like the video, and if you have any questions, my channel also subscribe my channel. If you have any question regarding VPN, you can comment in this video also, and unke channel pe jaake bhi aap unke video jo hai VPN pe bana hua us pe bhi aap question ask question puch sakte ho aap unse, ya fir yahan pe bhi agar aap question puchte ho to hum log jab next video banayenge तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।